विद्यार्थी के लिए टीचर बनना एक बड़ी चुनौती की तरह होता है, लेकिन यदि आप सही तरीके से मेहनत करते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के कोर्स को करते हैं। टीचर बनने की श्रेणी में आपने पीजीटी शब्द सुना होगा। पीजीटी शब्द का प्रयोग मुख्य तौर पर टीचर बनने वाले विद्यार्थी किया करते हैं। पीजीटी क्या होता है और पीजीटी टीचर कैसे बने को लेकर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने पीजीटी टीचर कैसे बने को लेकर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। पीजीटी एक अंग्रेजी का शॉर्ट फॉर्म शब्द है जिसका पूरा नाम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, जिसे अंग्रेजी में भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ही कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं पीजीटी क्या होता है। शिक्षा के क्षेत्र में पीजीटी एक प्रकार की उपलब्धि होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि पीजीटी कोई एक पोस्ट नहीं होती है, एक प्रकार का टाइटल होता है जो स्टूडेंट को ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री करने के बाद प्राप्त होता है। जो विद्यार्थी 10वीं तक की कक्षा को पढ़ाना चाहते हैं वह विद्यार्थी टीजीटी की पढ़ाई कर सकते हैं, और जो 10वीं से ऊपर सीनियर क्लासेस जैसे के और जो 12वीं तक की कक्षाओं में शिक्षक बनना चाहते हैं उनको पीजीटी की पढ़ाई करनी होगी। उन विद्यार्थियों को पीजीटी की परीक्षा देनी होती है और पीजीटी की परीक्षा देकर टीचर बन सकते हैं। विद्यार्थी राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली पीजीटी परीक्षा सभी राज्यों में मुख्य तौर पर निकाली जाती है, और पीजीटी की परीक्षा को टीजीटी की तुलना में काफी कठिन भी माना जाता है, क्योंकि टीजीटी परीक्षा निचले स्तर की परीक्षा होती है और पीजीटी परीक्षा उच्च स्तर की परीक्षा कहलाती है। पीजीटी के लिए जरूरी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या होती है। जो विद्यार्थी पीजीटी परीक्षा में अपना आवेदन लगाकर पीजीटी के तहत टीचर बनने का सपना देख रहे हैं उन विद्यार्थियों को कई प्रकार की मुख्य योग्यता जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है से गुजरना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले पीजीटी परीक्षा के लिए जरूरी योग्यता की बात करें तो आवेदन करने वाला नागरिक न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए और आवेदन करने वाले विद्यार्थी के पास भारत की नागरिकता का होना जरूरी है। आवेदन करने वाले विद्यार्थी की ग्रेजुएशन की डिग्री अच्छे अंकों के साथ पूरी होनी चाहिए और विद्यार्थी पीजीटी की परीक्षा देने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री हासिल करने के बाद ही योग्य होता है। पीजीटी की परीक्षा देने के लिए मैक्सिमम उम्र यानी कि अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं की गई है, इसीलिए आप किसी भी उम्र वर्ग में हो आप पीजीटी की परीक्षा दे सकते हैं। पीजीटी के चयन के लिए प्रक्रिया क्या होती है यानी कि इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। जब उम्मीदवार किसी भी सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए तैयारी करता है तो उम्मीदवार को एक निश्चित चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है। जैसे कि सबसे पहले पीजीटी परीक्षा में लिखित परीक्षा देनी होती है, यानी कि पीजीटी टीचर बनने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है जो सबसे पहला स्टेप होता है, जिसमें विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के अनुसार भी पूछे गए सवालों का जवाब देना होता है और परीक्षा को पास करना होता है। और यहाँ पे दूसरे स्टेप में इंटरव्यू होता है। जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा में चयनित हो जाते हैं उन विद्यार्थियों का अगला चरण इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू पीजीटी टीचर के लिए काफी कठिन माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जो आपको पहले से शायद ना पता हो, और यहाँ तक के निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं होते हैं। ऐसे में आपको पीजीटी का इंटरव्यू बड़ी सावधानी के साथ क्लियर करना होता है। यहाँ पे थर्ड पर आएगा स्पेशल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर अभ्यर्थी के पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन यानी कि डॉक्टर डिग्री या एमएड की डिग्री हासिल कर चुके हैं तो उन विद्यार्थियों को 25 अंक स्पेशल क्वालिफिकेशन के तौर पर दिए जाते हैं, और ये स्पेशल क्वालिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों के पीजीटी में चयन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ स्टेप में आपकी दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। पीजीटी अध्यापक बनने वाले उम्मीदवार के लिए आखिरी चरण के तौर पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। जब विद्यार्थी की मेरिट लिस्ट निकल जाती है तो मेरिट लिस्ट पर विद्यार्थी का नाम आ जाता है, तो विद्यार्थी चयनित होने से पहले अपनी दस्तावेज का सत्यापन करवाना होता है। दस्तावेज सत्यापन के बाद विद्यार्थी ज्वाइनिंग लेटर के लिए रेडी हो जाता है। पीजीटी के बाद अध्यापक की सैलरी कितनी होती है सबसे जरूरी सवाल होता है। जो उम्मीदवार पीजीटी परीक्षा की तैयारी करते हैं और पीजीटी अध्यापक बनना चाहते हैं तो उम्मीदवार के मन में ये सवाल खट
उत्सुकता रहता है कि उसे पीजीटी टीचर बनने के बाद आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। पीजीटी अध्यापक बनने की पश्चात शुरुआती सैलरी यदि बात करें तो पीजीटी अध्यापक को बेसिक सैलरी के तौर पर प्रति महीना 47,000 से लेकर 60,000 तक दिया जाता है, जो कि स्टार्टिंग सैलरी होती है। और इसके अलावा विद्यार्थी कई प्रकार की सरकारी भत्ते और भविष्य में जिस प्रकार से प्रमोशंस आदि भी दिए जाते हैं, और इसी प्रकार से सैलरी में भी बढ़ोतरी होती रहती है। इस पीजीटी टीचर की प्रक्रिया को पूरा करके आप पीजीटी टीचर आसानी से सीनियर क्लासेस में टीचर बन सकते हैं और उच्च लेवल की नौकरी को हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने जाना कि पीजीटी टीचर क्या होता है और कैसे बनेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है और इसके साथ ही आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चैनल के साथ बने रहे और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।